टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जमात इस्लामी के तरफ से मुमरा कलका कब्रस्तान के बगल में ही एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ब्लड यानी रक्तदान जो है यहाँ करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जो जमात इस्लामी के सदर है प्रोफेसर जावेद सर, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। सर, कैसे ये ख्याल आया आपको कि इतना बड़ा रक्तदान शिविर आपने यहाँ पर रखा? मुमरा कौसा में कहीं ना कहीं जो एक परेशानी भी होती थी रक्त को लेकर, यानी मरीजों को जो है सही समय पर मिल नहीं सकता था, तो ये पहल आपकी जो की गई है शहर में, इसकी काफी सराहना भी हो रही है और देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। जी, असल में जमात इस्लामी की जो यूथ विंग है, नौजवानों की ऑर्गेनाइजेशन, वो लॉकडाउन के अंदर भी बहुत काम कर रही है, बहुत काम उसने किया ऑलरेडी और लोगों की जरूरत को पूरा किया। खाने की तकसीम हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, अब जरूरत ऐसी नेसेसरी कि खून की कमी है, अपने शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो वही जज्बे को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए एक इनिशिएटिव लिया, लोगों से अपील की और मुमरा शहर के लोगों ने लबैक का बहुत अच्छा और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लोग बहुत ही संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, वेटिंग के अंदर भी। अच्छा, ये जो यहाँ पर रक्तदान लिया जा रहा है, कहाँ कौन से बैंक में जमा रहेगा और अगर शहर के लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो कैसे इसको ले सकेंगे, कैसे संपर्क कर सकेंगे, कुछ आपके तरफ से भी इस पर बताया जाए, जानकारी दी जाए? यहाँ पर ये हर एक रक्त डोनर को कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो जब चाहेगा उस कार्ड के जरिए उसको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी उसको रक्त मिलेगा, या वो कार्ड जिस किसी को भी देगा तो उसको ब्लड का वो पैकेट मिल जाएगा, ये एक चीज है। दूसरा ये कि हम चाह रहे हैं कि इसको रीच करें हम, मतलब ये संकल्प बैंक है और यहाँ पर जो है लोकल इसका टाइप हो, ब्लड बैंक लोकल बन के इतनी हो जाए कि हमको बाहर नहीं जाना। तो ऐसे अगर और भी शहर के जो लोग हैं जो इस कैंप पे जैसे आप कार्ड देंगे, इसके अलावा भी अगर और किसी को जरूरत पड़ती है तो वो कैसे ले सकते हैं? तो जो नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज, जो कोई एक ब्लड बैंक चार्ज करती है वो चार्ज देकर वो ले सकते हैं, लेकिन फैक्टर ये है कि आप कहीं भी जाए वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी अपना मेन टारगेट है, लोग तो पे करने के लिए रेडी है लेकिन अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? तो मेन अवेलेबल, बड़ी संख्या में लोगों को रक्तदान भी करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आपने ये कैंप लगाया कि आगे भी इसी तरह का कैंप आप लगाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि कहीं ना कहीं जैसे प्लाज्मा की जो बात सामने आ रही है, तो क्या आप प्लाज्मा के लिए भी इस तरह का कुछ ऐसा कैंप लगवा सकते हैं? अभी रक्तदान के लिए तो हम चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू करें, डेफिनेटली ये शुरुआत है, एंड नहीं है, और हम उनसे भी अपील करते हैं कि और लोग भी जो इस काम को कर सकते हैं वो भी आ गया, ताकि अपने पूरे शहर की जरूरत क्यूमुलेटिव वे में पूरी हो। अगर ऐसा लगता है कि प्लाज्मा की वाकई बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। अपना ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है, मकसद क्लियर है कि लोगों की खिदमत हो, जरूरत पूरी हो। तो ये थे जमात इस्लामी के, खास तौर पर आपको बता दें कि जमात इस्लामी की जो यूथ विंग है उनकी तरफ से जो है ये जो है रक्तदान शिविर रखा गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है रक्तदान दे रहे हैं। आप भी रक्तदान देने के लिए यहाँ पर आए, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है रक्तदान करके, जो भी है अभी जिसको मतलब कम गिर रहा रहेगा खून, उनके लिए हम कर रहे हैं ऐसा। लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए रक्तदान? हाँ, मुमरा वासियों से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के जो भी है हिस्सा ले लो इसमें, और ये जो जिनने ऑर्गेनाइज किया है इससे मैं अपील करता हूँ कि 3-4 महीने में एक बार कैंप रखा करे कि आगे जाके ब्लड का मतलब टुकड़ा ना गिरे किसको भी ऐसा। यानी कि कहीं ना कहीं लोग भी काफी जागरूक हैं और लोगों का खुद ही कहना है कि रक्तदान करना जो वो अच्छी बात है और कहीं ना कहीं इस तरह के कैंप जो है शहर में लगने चाहिए ताकि लोग जो है रक्तदान कर सके। और भी लोगों से हमने बात की है यहाँ पर, क्या कुछ लोग कहे हैं आप सुनिए। क्या नाम है आपका और आपने पहली बार ब्लड डोनेशन किया है? मेरा नाम दानिश है और मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। यूथ विंग की शुक्रिया है कि मेरे को पहली बार ब्लड डोनेट करने का मौका मिला और मैं चाहूँगा कि यूथ विंग ऐसे ही काम करते रहे। और ये मेरा जो पहले मेरा बचपन का सपना था कि मैं लोगों की मदद करूँ ब्लड डोनेट करके, तो आज वो पूरा हो चुका है। आप अभी अपना मतदान किए हैं कभी?
वोट दिए हैं? नहीं अभी इंशाल्लाह, देखो मेरा वोटर आईडी जैसी आ जाएगा मैं वोट भी दूंगा। लेकिन ब्लड रक्तदान कर दिया, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि लोगों की मदद करते रहे, और ऐसी अगर लोगों को मदद करने का मौका मिल जाता मिलता रहता तो फिर ब्लड डोनेट किया, फिर जैसा भी मौका मिलता हो मदद करती है लोगों को। शमीम भाई आपने भी ब्लड डोनेट किया क्या है? जी अभी हमने अपना ब्लड डोनेट किया है, कल मैंने प्रहार टाइम्स के माध्यम से ही अपील की थी तमाम शहरवासियों से, हमारे परिवार के राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों से कि आप लोग तमाम लोग आए आके अपना ब्लड डोनेट करें। आज मैंने ब्लड डोनेट किया, वाकई में मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये वो ब्लड डोनेट है, ये वो खून है जो कभी किसी के इमरजेंसी पीरियड में उसको नहीं मिलता। मेरा ओ पॉजिटिव है, अगर बहुत मैं ये समझ सकता हूँ कि जब जरूरत पड़ती है तो लोगों को नहीं मिलता है खून, तो आज ये जो लोग यानी पूरी तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, तकरीबन 300 का टारगेट था लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 500 क्रॉस करेगा। मुझसे अभी जावेद सर ने बोला कि शमीम भाई शाम में यहाँ लाइटिंग लगा देंगे, अगर 5 बजे के बाद भी लोगों का रश रहा और लोग ब्लड देना चाहेंगे तो 5 बजे के बाद क्या हम लोग रात में भी यहाँ लेट नाइट तक भी ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप चालू रखेंगे? मैं जमात इस्लामी हिंद के विंग को, यूथ विंग को, जमात इस्लामी हिंद के तमाम वो जिम्मेदारान को जिन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिन लोगों ने आकर के रक्तदान किया है या करने वाले हैं उनको भी अपने शहर की जानिब से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या आपने भी यहां पर आए, आप रक्तदान किया यहां पर? हाँ, क्या मैंने रक्तदान किया है। मेरा नाम ज़ेबा फालके है, मैं समाजवादी पार्टी की मुंडरा कलवा की महिला अध्यक्ष हूँ, मुंडरा कलवा विधानसभा के, और मैं सभी मुंडरा वासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपना एक 15 मिनट का वक्त है, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके लिए, सिर्फ 15 मिनट का वक्त है, और मुमरा में मुमरा कलवा के जो मरीज हैं इनकी हेल्प करें, ताकि जिस वक्त हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो हमें थाना है, कलवा है और डोंबेली है, यहाँ जाना होता है, तो ये चीज़ इजीली इंशाल्लाह अभी से हमको जो मैक्सिमम जो लेबोरेटरी है वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगी। तो ये यूथ विंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इनसे हम यही कहना चाहेंगे कि फिर इस तरह का काम वो हर बार करते रहें, और ये ब्लड डोनेशन कैंप का जो है वो हर बार अरेंजमेंट किया जाए, हर 6 महीने से या साल भर में ये रखा जाए।